मुअज्जज वो मुअक्कर उलमाए कराम मोहतरम सामी हज़रात, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن قصر صعب مدد आजम बमने दूसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबे ईमा मददे कुल खमसतुन उत्फी बिहा हल्लल वबाली हातमा ये खमसतुन उत्फी बिहा हल्लल वबाली हातमा अल-मुस्तफा वल-मुर्तवा वबनाहुमा वल-फातमा और बेगम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेगम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। और सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसने हुसैन और हसन को, जहरा है कली जिसने हुसैन और हसन को। और ये शेर कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन। और अकीदे का ये शेर बुला हिजा करें कि हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। और ये शेर कर्बला की रेत पर है कौन जो सजदे में है, कर्बला के रेत पे है कौन जो सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है जिंदगी से
करबला की रेत पर है कौन जो सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है, और एक सजदा जो अली का रह गया था वक्ते फजर, एक सजदा जो अली का रह गया था वक्ते फजर, बाइतलाके रवायत कूफा की जामा मस्जिद, नमाज़े फजर का वक्त, दामादे रसूल हजरत अली फजर की नमाज की अदायगी के लिए कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचे, एक रकात पहली रकात का पहला सजदा दामादे रसूल ने किया, दुश्मन आगे बढ़ा और दामादे रसूल पर उसने हमला कर दिया, हजरत अली पहली रकात का दूसरा सजदा ना कर सके। शायर कहता है, एक सजदा जो अली का रह गया था वक्ते फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, करबला की रेत पर है कौन जो सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है, एक सजदा जो अली का रह गया था वक्ते फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। सबसे पहले आज हम सब आपका इनामदार मदीने के ताजदार ताजदार अरबो आजम फख्र आदम व बनी आदम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी और आले नबी पर पूरी दिलजमई के साथ जी लगा कर आप लोग एक बार और इस्लाम ये महफिल खैर जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, अल्लाह बुजुर्ग को बरकत की मुकद्दस बारगाह में अर्ज है, अपने महबूब के सदके इस बदले खैर में हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा। लायक सब मुबारकबाद है आप तमाम हजरात जो सैयद इमाम हुसैन और उनके रूहा की बारगाह में फिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। रब की बारगाह में अर्ज है, अल्लाह हम तमाम लोगों के फिराज अकीदत को कबूल फरमाए। आपने मुझसे पहले खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मियादली साहब की अज़ीज़ा मजदहुल करीम इनसे बड़ी अच्छी तकरीर समाप्त कर ली है, साथ ही साथ आपने नाकुल मनकबर के बहुत सारे अशआर समाप्त किए। थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप थोड़ी देर बड़ी संजीदगी और बड़ी मकानत के साथ हमारी गुफ्तगू समाप्त करें। खुतबे मसनूना के बाद जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह अपनी मुकद्दस किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तकूलु लिमन युक्तदु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशुरून, यानी जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, रब की राह में कत्ल कर दिए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी की समझ ही नहीं। ब्रदर इस्लाम, ये रात जिस रात में बैठ कर हम यहां पर जिक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को समाप्त कर रहे हैं, इस रात को आशूरा की रात कहा जाता है, और ये वो रात है, मैं आपको बताऊं आशूरा की रात दसवीं मुहर्रम की रात जो होती है, आप अगर करबला की तारीख आपने सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि इसी शाम को असर के बाद यजीदी फौज आगे बढ़ी थी,
और उसने कहा था इमाम हुसैन आप या तो यजीद की बैत कर लें और या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। उस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन ज़ियाद से कहा था कि सिर्फ एक रात की मुझे मुहलत दे दो ताकि इस एक रात में मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं, रब की बंदगी कर सकूं, कुरान की तिलावत कर सकूं। इस एक रात जिस रात में हम बैठकर यहां पर अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे को समाप्त कर रहे हैं, इसी रात में सैयदना इमाम हुसैन ने मैदान करबला के अंदर यजीदियों से मोहलत मांगी थी और इस रात में सैयदना इमाम हुसैन ने तौबा व इस्तिगफार किया था, इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत की थी, सैयदना इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा था, रब की बंदगी की थी। अरे मुसलमानों, आप अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, जिस रात को नवासे रसूल ने इबादत के लिए मांगा था, बंदगी के लिए मांगा था, कुरान की तिलावत के लिए मांगा था, तौबा व इस्तिगफार के लिए मांगा था, आज वो रात जब हम मुसलमानों के सामने होती है तो हम बहुत सारे गुनाह करके इस रात को गुजार दिया करते हैं, लहूलुहान में गुजार दिया करते हैं, तरह तरह के खुराफात में गुजार दिया करते हैं। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के लोगों, आप अगर सच्चे हुसैनी हो, अगर सैयदना इमाम हुसैन से आपको सच्ची मोहब्बत है तो जरूरत है सैयदना इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से जो मैसेज दिया था, करबला के मैदान से जो पैगाम दिया था, आप उस पैगाम पर अमल करके दिखाओ, कुरान की तिलावत करके दिखाओ, नमाज की पाबंदी करके दिखाओ, सर को आप सजदे में निकाल दे करके दिखाओ, तौबा और इस्तिगफार करके दिखाओ। अगर आपने सच्चे दिल से इस रात में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया, रब आपके गुनाहों को जरूर माफ कर देगा और अल्लाह आपका शुमार इमाम हुसैन के शहीदाइयों में फरमा देगा। और नबी की हदीस है, मम माता आला हुब्बे आला आले मोहम्मद माता शहीदा, जो इंसान अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से चला गया, अल्लाह उसे आम मौत नहीं देता है बल्कि अल्लाह उसे शहीद की मौत दिया करता है। जरूरत है मुसलमानों, आप अपनी सोच बदलो, आप अपनी फिक्र बदलो, आप अपने सोचने के तरीके को बदलो। नवासे रसूल ने जो पैगाम दिया उस पैगाम पर आप अमल करके दिखाओ। और ये जो आशूरा का लाशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन है, मैं आपको बताऊं, बड़ी संजीदगी से सुनिएगा आप मेरी तकरीर। ये 10 मुहर्रमुल हराम, इस दिन सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत ही नहीं हुई बल्कि ये इतना मुकद्दस तरीन दिन है, इतना मुकद्दस तरीन दिन है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी दुनिया को इसी 10 मुहर्रमुल हराम को बनाया। ये पूरी दुनिया कब बनी? 10 मुहर्रमुल हराम को। और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरते आदम के तौबा को जो कबूल फरमाया, उस दिन जो तारीख थी वो भी 10 मुहर्रमुल हराम की थी। अल्लाह ने हजरते मूसा को फिरऔन पर गालिब किया और फिरऔन को उसके लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया, उस दिन भी जो तारीख थी वो 10 मुहर्रमुल हराम की थी। अल्लाह ने हजरत याकूब और हजरत यूसुफ की जो मुलाकात कराई वो तारीख भी 10 मुहर्रमुल हराम की थी। और अल्लाह ने हजरत खलील हजरत इब्राहिम पर जो नारे नमरूद को गुलजार किया वो तारीख भी 10 मुहर्रमुल हराम की थी। और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूनुस को जो मछली के पेट से निकाला वो तारीख भी 10 मुहर्रमुल हराम की थी। और ऐ मुसलमानों, सिर्फ यही नहीं, 10 ही मुहर्रमुल हराम को अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को फना कर देगा, यानी कयामत जो आएगी वो भी 10 मुहर्रमुल हराम। तो इससे मेरे बताने का मकसद ये है कि ये जो दिन 10 मुहर्रमुल हराम है, इस दिन सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत ही नहीं है बल्कि इसके दामन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे वाकियात वाबस्ता हैं। इसलिए जरूरत है मुसलमानों, आप इस दिन की कदर करो।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, मदीना जब मेरे नबी पहुंचे तो आपने देखा कि मदीने के जो यहूदी हैं वो 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते हैं। आकाए करीम ने सहाबा से पूछा, अरे मेरे सहाबा, ये लोग 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हैं? तो मुसलमानों ने बताया कि यहूदी हजरत मूसा, इसी तारीख में हजरत मूसा को अल्लाह ने फिरौन पर गालिब फरमाया था, इसीलिए इस दिन में यहूदी रोजा रखते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था, आए मेरे सहाबा सुनो, हजरत मूसा उनके लिए भी फजलो कमाल वाले थे, हमारे लिए भी फजलो कमाल वाले हैं, आइंदा हम भी रोजा रखेंगे। और आकाए करीम ने वसीयत की कि इस दिन मुहर्रमुल हराम को, 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखा जाए, इसलिए मेरे मिल्लत के लोग जरूरत है इस बात कि आप 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखें। और इस्लाम के अंदर एक रोजा रखने से मना किया गया है, इसलिए आप उससे पहले या एक मिलाएं या बाद में एक मिलाएं, यानी चाहे आप 9 और 10 को रोजा रखें और आप चाहे तो 10 और 11 को रोजा रखें, यह आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए जरूरत है मेरे मिल्लत के लोग, मेरे बताने का मकसद यह है कि इस मुबारक दिन की, इस रोजे सईद की आप कद्र करें। अल्लाह के नबी ने जिस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, उस तरह आप जिंदगी। और मैं आपको बताऊं, आप बड़े तवज्जो से थोड़ी देर आप अपनी नींद की कुर्बानी दें। लोग आज सैयदना इमाम हुसैन को शहीद आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद आजम। दुनिया के अंदर, इस्लामी तारीख के अंदर 3 शहादतें बहुत दर्दनाक हैं। कितनी शहादतें? 3 शहादतें बहुत दर्दनाक हुई है। उनमें से सबसे पहली शहादत जो है वो सरकार के सगे चचा हजरत अमीर हमजा की है। सरकार के सगे चचा हजरत अमीर हमजा। और इस्लाम की तारीख के अंदर एक लड़ाई, एक जंग और हुई है, जिस जंग के अंदर खुद मेरे आका तशरीफ ले गए थे, और उस जंग को जंग उहद कहा जाता है। जब ये जंग लड़ी गई थी, इसी जंग के अंदर हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई थी। एक औरत थी जिसका नाम हिंदा था, बाद में वो ईमान ले आई, उस वक्त ईमान नहीं लाई थी। उन्होंने उस वक्त कसम खाया था कि मैं अमीर हमजा के कलेजे को निकाल कर कच्चा चबाऊंगी। उहद के मैदान के अंदर लड़ाई हुई, हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया, कत्ल किया गया। और मुसलमानों जरा गौर से सुनो, किस बेदर्दी से अमीर हमजा को मारा गया। आपको कत्ल करने के बाद आपके कान को काट दिया गया, आपके नाक को काट दिया गया, आपके होंठ को काटा गया, आपके आंख को फोड़ा गया। और यही नहीं, हिंदा जिसने कसम खा रखा था वो आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद उसने आपके सीने को फाड़ दिया और कलेजा बाहर निकाला। और कलेजा बाहर निकालकर उसी मैदान के अंदर बैठकर हिंदा ने उस कलेजे को कच्चा चबा डाला। जब जंग खत्म हुई, मेरे आका हजरते, मेरे आका अपने सगे चचा हजरते अमीर हमजा के लाश के करीब पहुंचे, और जब करीब पहुंचे, आपकी सगी फूफी हजरते अमीर हमजा की सगी बहन हजरते सफिया मेरे आका के साथ थी। जब इस तरह लाश को हजरते सफिया ने देखा, रो पड़ी, दहाड़े मार दिया। जब मेरे आका ने अपनी फूफी हजरत सफिया को रोते हुए देखा, मेरे आका ने उस वक्त फरमाया था, सफिया मेरी फूफी, ये मेरे सगे चचा हैं जो मैदान उहुद के अंदर शहीद हुए हैं। अरे दुनिया के अंदर बहुत जंगें हुई हैं, दुनिया के अंदर बहुत शहीद हुए हैं, लेकिन आप सारे शहीद सिर्फ शहीद हैं, ये मेरा चचा सिर्फ शहीद नहीं, क्योंकि मेरा चचा शहीद आजम है, मेरा चचा शहीद आजम है। इस्लाम की तारीफ
شہید آدم کا لقب دیا گیا ہے تو سب سے پہلے میرے آدم کا لقب اپنے سکے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیا. حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی. ابھی اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور چہرہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے, انسان کہتا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں. بتاؤ آپ, لیکن کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا. حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا نے امیر حمزہ کو شہید آدم کا لقب دیا. اسلام کی تاریخ اور آگے بڑھی, اسلام کی ہسٹری اور آگے بڑھی. دوسری شہادت اسلام کی تاریخ کے اندر جو سب سے زیادہ دردناک ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا, عثمان جس کو دنیا کے اندر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کے چہرے کو دیکھے. یہ شان ہے حضرت عثمان کی. اور یہی نہیں, میرے آقا نے اپنی دو سگی بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے, ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا. اور جب دوسری بیٹی کی شادی نبی عثمان سے کر رہے تھے تو میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا, عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ انتقال کر دی جاتی تو میں عثمان سارے 40 بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دیتا. یہ مرتبہ کس کا ہے؟ عثمان غنی کا ہے. یہ مرتبہ عثمان ذوالنورین کا ہے. لیکن حضرت عثمان کی جب شہادت کا وقت آیا تو 40 دن تک حضرت عثمان پر کھانا اور پانی بند رکھا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک باہر سے نہ کھانا آ پاتا تھا نہ پانی آ پاتا تھا. صرف گھر کے اندر جو مختصر تھا کھانا اور مختصر سا پانی تھا, حضرت عثمان غنی کسی طرح اسی سے گزارا کرتے تھے. اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جب وقت قریب آیا, خود سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین تلوار لے کر دروازے کے باہر آپ کے گھر کی رکھوالی کر رہے تھے, لیکن دشمن کسی طرح دیوار پھلان کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوا. اور جب گھر میں دشمن داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ روزے کے عالم میں تھے اور قرآن کو کھول کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. دشمن قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آپ پر تلوار سے حملہ کیا گیا. جس وقت آپ پر حملہ کیا گیا آپ کے جسم سے جو خون نکلا وہ خون جا کر قرآن کے ورق پر پڑا. آپ شہادت کے بعد آپ کی انگلیاں کاٹ دی گئی, آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا, آپ کے بال کو کاٹ دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مدینے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ داماد رسول حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت حضرت علی دوڑے ہوئے حضرت عثمان کے لاش کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کہا تھا, اے میرے بھائی عثمان, دنیا کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں, بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں, بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن جتنی لڑائیاں ہوئی اس میں جتنے بھی شہید ہوئے وہ سب شہید تھے, لیکن اے میرے عثمان تو صرف شہید نہیں ہے بلکہ تو شہید آدم ہے, تو شہید آدم ہے. اسلام کی تاریخ کے اندر پہلا شہید آدم کا لقب نبی نے امیر حمزہ کو دیا تھا, دوسرا شہید آدم کا لقب میرے عثمان کو حضرت علی نے دیا ہے. اسلام کی تاریخ اور آگے بڑھی, اسلام کی ہسٹری اور آگے بڑھی, اسلام کی عظمت, اسلام کے وقار, اسلام کی شان کو بچانے کے لیے نواسِ رسول فاطمہ کا دل بند سیدنا امام حسین میدان کربلا میں اپنے رفقہ کے ساتھ پہنچے. یزید اور امام حسین
امام حسین نے یزید کی جو مخالفت کی, بڑے توجہ سے آپ سنیے گا میری بات, امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے بہت سارے گناہ کیے. مکہ پر اس نے حملہ کیا, اس کی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا, اس کے گناہ, اس کے جرائم, اس کے کرائم جو تھے اور زیادہ بڑھ گئے. لیکن جس وقت میدان کربلا ہوئی ہے, اس وقت یزید جو تھا وہ نماز کا پابند نہیں تھا, شراب کے قریب جانے لگا تھا, جھوٹ کے قریب جانے لگا تھا. ان ساری وجہوں کی بنیاد پر سیدنا امام حسین نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا. مسلمانوں ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو, آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آپ بتاؤ جن چیزوں کی بنیاد پر سیدنا امام حسین نے یزید کی مخالفت کی تھی, کیا آج وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ صرف نعرہ لگانے سے کام چلنے والا نہیں ہے, صرف امام حسین کا نام لے لینا کافی نہیں ہے, ضرورت ہے اس بات کی, امام حسین نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر آپ عمل کر کے دکھاؤ. نماز کا پابند نہ ہونے کی بنیاد پر میرے آقا امام حسین نے یزید کی مخالفت کی تھی, آپ بتاؤ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر, ہمارے سماج کے اندر کتنے لوگ نماز سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں, مسجدوں سے کتنے لوگ دور ہیں. امام حسین نے شراب پینے کی بنیاد پر یزید کی مخالفت کی تھی, آج ہمارے سوسائٹی کے اندر, ہمارے سماج کے اندر کتنے لوگ شراب کے جام کے قریب ہو رہے ہیں؟ اے مسلمانوں, حسین کا نام لینا کافی نہیں ہے, ضرورت ہے کربلا کے میدان سے میرے امام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر آپ عمل کر کے دکھاؤ, تبھی آپ سچے حسینی بنو گے, تبھی امام حسین کے آپ سچے عاشق بنو گے. شراب کی بات آئی تو میں بتاؤں, آپ بہت نعرہ لگاتے ہو حضرت علی کے نام کا. حضرت علی کی ایک روایت ہے, حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر کہیں شراب گر جائے, بڑے توجہ سے سنیے گا, کہیں شراب گر جائے اور لوگ اس جگہ مسجد بنا دیں اور پھر مجھ سے کوئی کہے علی اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دے دو, تو علی کہتے ہیں میرے تقوی کو گوارا نہیں ہے کہ اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر میں اذان دوں. علی کے پارسائی کا عالم یہ ہے, علی کے تقوی کا عالم یہ ہے. اور دوسری روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں شراب گر جائے اور پھر کوئی دودھ دینے والا جان پھر وہاں پر گھاس جم جائے اور کوئی دودھ دینے والا جانور اس گھاس کو چر لے پھر وہ دودھ دے دے اور لوگ کہیں علی اس جانور کے دودھ کو پی لو, علی کہتے ہیں میرے تقوی اور پرہیزگاری کو گوارا نہیں ہے کہ اس جانور کے دودھ کو بھی میں پیوں. اے مسلمانوں, یہ علی کا تقوی ہے, یہ علی کی طہارت ہے, یہ علی کی پاکیزگی ہے, اسی علی کے نام کا آپ نعرہ لگاتے ہو. آج اور آج ہمارا نوجوان شراب کے اڈے کے قریب نظر آتا ہے, شراب کے جام کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے ضرورت ہے, یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, آپ عزم مسلم کرو. اگرچہ اب تک ہم گناہوں کے قریب رہے ہیں لیکن اب ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. یہی امام حسین سے سچی عقیدت اور سچی محبت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا شہید اعظم اسلام کی عظمت و وقار کو بچانے کے لیے کربلا میں سیدنا امام حسین پہنچے, اور امام حسین جب پہنچے بات کیا تھی؟ یزیدی لوگ کہہ رہے تھے امام اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو, اور امام کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھ نہیں دوں گا, سر دے سکتا ہوں, قاسم کی جوانی دے سکتا ہوں, اور محمد کا لاجپت دے سکتا ہوں, عباس کے بازو دے سکتا ہوں, پورے خاندان اور گھر والوں کو قربان کر سکتا ہوں, لیکن کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. بے شک آپ ذرا سوچو,
मैं आपको बताऊं, इंसान के बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर सबसे कीमती चीज जो है वो सर है। क्या है? सर है। अगर अभी कोई मामला हो जाए तो इंसान अपने सर की हिफाजत पहले करेगा और हाथ की हिफाजत बाद में करेगा, क्योंकि सर अगर कट जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और हाथ कट जाए, हाथ के बगैर इंसान जिंदगी गुजार सकता है। करबला के मैदान के अंदर इमाम आली मकाम का जो बोल था वो बहुत प्यारा था। आज अगर मामला पड़ जाए, इंसान अपने सर की हिफाजत करता है, हाथ की हिफाजत नहीं करता, लेकिन करबला के मैदान में मेरे इमाम ने सर की हिफाजत नहीं की है, बल्कि अपने हाथ की हिफाजत फरमाई है। उसकी वजह क्या है? तो मेरे मिल्लत के लोगों, करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने जो अपने हाथ को बचाया है, उसकी हाथ उसकी वजह यह है कि वो हाथ जो तन्हा हाथ दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ हाथ नहीं था, बल्कि उस हाथ के अंदर सिद्दीक की सदाकत भी मौजूद थी, उमर की अदालत भी मौजूद थी, उस्मान की शहादत भी मौजूद थी, अली की शुजात भी मौजूद थी। वो हाथ तन्हा हाथ नहीं था, बल्कि वो मुकम्मल निजाम हयात था। इसलिए मेरा हुसैन करबला के मैदान में कह रहा था कि मैं सर तो दे सकता हूँ, लेकिन किसी फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं। और मैं आपको बताऊं, शरीयत का एक मसला है कि कहीं इंसान अगर फंस जाए, कुफ्र काफिर या कोई भी उसे मजबूर कर रहा हो, कंडीशन अगर बहुत खराब हो, कोई मजबूर करे कि तुम शराब पी लो, अगर नहीं पीते तो मैं तुम्हारी गर्दन मार दूंगा, ऐसे मौके पर इस्लाम कहता है कि थोड़ी देर के लिए शराब पीकर अपनी जान बचा। ये मसला है। अगर आप कहीं फंस गए, वो किसी ने आपके गर्दन पर तलवार रख दी, आपके सीने पर बंदूक रख दिया और कहा शराब पियो वरना गोली मार दूंगा, इस्लाम कहता है मुसलमान के जान की बहुत अहमियत है, थोड़ी देर के लिए शराब पी लो, अपनी जान बचा लो। मेरे मिल्लत के लोग, क्या मैदाने करबला के अंदर मेरे आका इमाम हुसैन को यह मसला मालूम नहीं था? मादम, अरे जब मुझ जैसा कम इल्म स्टेज पे बैठे कम इल्म लोग जब यह मसला जानते हैं कि अगर इंसान मुसलमान के जान का सवाल आ जाए तो थोड़ी देर के लिए इंसान, थोड़ी देर के लिए मुसलमान शराब पीकर, झूठ बोलकर, खिंजीर का गोश्त भी खाकर अपनी जान को बचा सकता है, क्या ये मसला इमाम के सामने नहीं था? थोड़ी देर के लिए यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, वहां से निकल आते, कासिम की जवानी बच जाती, अकबर की जवानी बच जाती, अब्बास का बाजू बच जाता, असगर का बचपन बच जाता, और मोहम्मद का लड़कपन बच जाता, तमाम खानदान के लोग बच जाते, तमाम रिश्ते के लोग बच जाते। आखिर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में समझौता से काम क्यों नहीं लिया? थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेते, करबला के मैदान से निकलते और निकलने के बाद बैत को तोड़ देते, सब कुछ बच जाता। ये कंडीशन थी मेरे इमाम के सामने, ये हालत थी, ये मसला था। नाना की शरीयत उन्हें इजाजत दे रही थी, कर लो समझौता थोड़ी देर के लिए। लेकिन मेरे मिल्लत के लोग, अगर इस फलसफे को आपको समझना है तो आप अपने जहन को इस्लाम की तारीख में थोड़ा पीछे लेकर चलो। ये मक्का की गलियां हैं, मक्का की वादियां हैं, मक्का के वादियों के अंदर जब मेरे आका ने ऐलान किया था, आए मक्का के लोगों सुनो, तुम्हारा खुदा एक है, उस एक खुदा पर ईमान ले आओ, इन बुतों की पूजा छोड़ो, तो मक्का के तमाम लोग नबी के दुश्मन बन गए थे, घर के लोग भी दुश्मन, खानदान के लोग भी दुश्मन, अजीजों अकारिब भी दुश्मन, पड़ोस के लोग दुश्मन, सब मेरे नबी के दुश्मन बन गए थे। जब सारे लोग दुश्मन बन गए, मक्का की गलियों में नबी को तलाशा जाता था ताकि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, एक दिन हजरत अबू तालिब अपने लाठी को टेकते हुए मेरे आका के घर पे आए, और घर
आने के बाद हजरत अबू तालिब ने मेरे आका से कहा, आए भतीजे, रब्बे काबा की कसम खाकर मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर अपनी जान से ज्यादा मैं अगर किसी को प्यार करता हूं तो आए भतीजे तू नहीं। आए भतीजे, इस मक्का के अंदर मेरी एक हैसियत थी, मेरा शुमार मक्का के सरदारों में होता है। मक्का के लोगों की यह हिम्मत नहीं थी कि अबू तालिब के सामने सर ऊंची करके बात कर ले। जो लोग मेरे सामने सर को ऊंची करके बात नहीं कर सकते थे, आज उनकी आंखों में मैंने खून उतरा देखा है। वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। अरे मेरे भतीजे, मैं तुमसे ये नहीं कहता इस्लाम की तबलीग रोक दे, इस्लाम का प्रचार रोक दे, इस्लाम के नशो इशात को बंद कर दे। सिर्फ इतना कहता हूँ, अरे मेरे भतीजे, समझौते से काम ले ले, समझौ मसलहत से काम ले ले, थोड़ी देर के लिए अपनी तबलीग को बंद कर दे। जब मक्के के हालात अच्छे हो जाए तब तबलीग को शुरू कर देना। जैसे ही अबू तालिब ने इतना कहा था, मेरे आका ने अपने सगे चचा, मेरे आका ने हजरत अबू तालिब से कहा था, अरे मेरे चचा, मोहम्मद की जान जा सकती है लेकिन मोहम्मद मसलहत से काम नहीं ले सकता, मोहम्मद समझौता नहीं कर सकता। उसी गोद का पला हुआ हुसैन वहां पर नाना ने कहा था, मोहम्मद समझौते से काम नहीं ले सकता। उसी गोद का पला हुआ, उसी गोद का परवरदा, आज हुसैन 22,000 लश्करे चल रहा के सामने खड़ा है, वहां नाना कह रहा था मोहम्मद समझौता नहीं कर सकता, यहाँ हुसैन कर रहा कह रहा है। अब्बास के बाजू को दे दूंगा, कासिम की जवानी दे दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन कर्बला के मैदान में समझौते से काम। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सैयद इमाम हुसैन कर्बला के मैदान में, और मेरे आका इमाम हुसैन की जब शहादत हुई तो पहली शहादत जिसको नबी ने शहीद आदम कहा वो अमीर हमदा की जात थी, दूसरी शहादत जिसे अली ने शहीद आदम कहा वो हजरत उस्मान की जात थी। लेकिन कर्बला के मैदान में जब मेरा हुसैन शहीद हुआ तो इमाम बुखारी ने कहा, हुसैन तू सिर्फ शहीद नहीं है बल्कि शहीद आदम है। इमाम राजी ने कहा, हुसैन तू शहीद नहीं है बल्कि शहीद आदम है। और जब ये खबर हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के पास पहुंची तो गरीब नवाज अजमेर की धरती से पुकार उठे, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाब दस्तर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे ख्वाजा सैयद इमाम हुसैन के बारे में कह रहे हैं, हुसैन तू तो बादशाह, और सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, और तू दीन है, और सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि दीन की पनाह है। फिर मेरे गरीब नवाज कहते हैं, अरे दीन की पनाह ही नहीं बल्कि हक तो ये है, सच ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन तू है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना तू हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के पास। लेकिन मेरे मिल्लत के लोग, आज हम हर एक की ख्वाहिश होती है कि कर्बला में जो शहादत हुई उसे बयान किया जाए, लेकिन मेरे मिल्लत के लोग एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। एक बात, ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे बांटना चाहता हूं। आप ये मजलिसें कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सोच थोड़ी और आगे बढ़ाओ,
आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल जिंदगी गुजार रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर। आप अपनी सोच और आगे बढ़ाओ, आप महफिलें करो, आप खिचड़े पकाओ, आप न्याज करो, सब दुरुस्त है, लेकिन आप अपनी सोच और आगे बढ़ाओ। आप अपनी गांव में तंजीमें बनाओ, आप अपने गांव के अंदर कमेटियां बनाओ, और साल भर उन कमेटियों के पास पैसे इकट्ठे करो, और पैसे इकट्ठे करने के बाद जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आए तो उन्हीं पैसों को लेकर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ और उन पैसों से किसी गरीब की मदद कर दो। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आपके 100-200 रुपयों से अगर किसी गरीब की जान बच गई, वो इस्लाम का कलमा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, वो पूरी जिंदगी ये एहसान मानेगा, मेरी जो जान बची है वो शहीद आदम के सदके में बची है, मेरी जो जान बची है वो इमाम हुसैन की शहादत के सदके। अल्लाह ने आपको पैसे दे रखे हैं, आप 10 मुहर्रमुल हराम को पहुंचकर किसी गरीब बच्ची की शादी का इंतजाम कर दो। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी गरीब लड़की के हाथ पीले हो गए, वो इस्लाम का कलमा पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, लेकिन पूरी जिंदगी ये एहसान मानेगी, मैं जो सुहागन बनी हूँ वो नबी के नवासे के सदके में बनी हूँ, हुसैन के शहादत के सदके में बनी हूँ। इस मुआशरा के अंदर, आपके गांव और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाइयां छोड़ रहे हैं, आप किसी गरीब बच्चे के फीस का इंतजाम कर दो। मैं कहता हूं अगर वो बच्चा आपके पैसे से आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, इंजीनियर बन गया, पायलट बन गया, वो पूरी जिंदगी ये एहसान मानेगा, मैं जो इंजीनियर बना हूं, आईएएस पीसीएस बना हूं, ये सदका है नबी के निवासे का, ये सदका है सैयदुश्शोहदा का, ये सदका है इमाम हुसैन का। मेरे मिल्लत के लोग, जरूरत है इस तरफ भी आप सोच करते, बहुत बुरी कंडीशन है मुसलमानों की। आज हम लोग कुछ अच्छे इलाके में रहते हैं तो सोचते हैं मुसलमान बहुत मजे में है, नहीं मुसलमानों, अरे आज से 10 साल पहले सज्जन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और सज्जन कमेटी ने कांग्रेस गवर्नमेंट के उस वक्त कहा था कि मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी बदतर है। किससे बदतर है? दलितों से बदतर। दलित जिसे हम चमार कहते हैं, चमार शब्द ये गाली है, अरे कोई बहुत बुरा होता है तो कहते हैं ये चमार हो गया। हम मुसलमानों जरा सोचो, ये हमारी हालत है इस हिंदुस्तान के अंदर, हम तालीम के मामले में बिल्कुल पीछे हैं। जरूरत है आप नेक बनो, अच्छे बनो। इमाम हुसैन ने कर्बला के मैदान से जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया, उस पैगाम पर आप अमल करके दिखाओ, तभी आप सच्चे हुसैनी बनोगे। सिर्फ नारा मत लगाओ बल्कि रोजे रखो, 9 मुहर्रम को रोजे रखो, रात में इबादत करो। ये रात जिसमें आप बैठे, उस रात को इमाम हुसैन ने इबादत के लिए मांगा था, कुरान की तिलावत के लिए मांगा था, वरना यजीदी तो चाहते थे 9 को हो जाए, और जब इमाम हुसैन ने मांगा रात तो बड़े खुशी से वो राजी हो गए, क्योंकि सोचा ये लोग भूखे और प्यासे हैं, एक रात और नहीं खाना पानी मिलेगा तो कमजोरी और बढ़ जाएगी और हमारा मामला आसान हो जाएगा, ये यजीदियों की सोच थी। लेकिन उस वक्त भी इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखा, बंदगी की, इबादत की, कुरान की तिलावत की। मुसलमानों जरूरत है हम भी कुरान की, जरूरत है हम भी नमाज के पाबंद बन जाएं। इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखे, शहादत का जाप पी लिया, क्या पैगाम दिया था इमाम ने? सर को सजदे में रखकर शहादत पाने का मतलब, वो मकसद ये था, अए मेरे कौम के लोगों, अए मेरे नाना की उम्मत के लोगों, अगर हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है तो सर को सजदे में रखना होगा, अल्लाह की इबादत करनी होगी, रब की बंदगी करनी होगी। बहरहाल मेरे आका इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रमुल हराम की जो
نو محرم الحرام کے بعد جو رات آئی عبادت کر کے گزاری, دسویں محرم الحرام کا جب سورج طلوع ہوا میرے آقا امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار کیے, میدان کارزار میں پہنچے, اور میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد میرے آقا امام حسین نے یزیدیوں کو مخاطب کیا, اور مخاطب کرنے کے بعد کہا, اے یزیدیوں سنو, کیا میں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ آواز آئی, نہیں, آپ نے اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے. میرے آقا امام نے پوچھا, کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا, نہیں. میرے آقا نے پوچھا, کیا میں نے چوری کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا, نہیں. کیا آپ نے کہا میں نے کسی کی غیبت کی ہے؟ میدان کربلا سے آواز آئی, نہیں. میرے آقا امام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اس پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر تلاش کر کے دیکھو, اس وقت میں اکیلا کسی نبی کا نواسا ہوں جس دنیا کے اندر موجود ہوں. آپ چھوڑ دو میرے راستے کو, میں کہیں اور چلا جاؤں اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی بسر کر لوں. میرے آقا امام حسین نے جب یہ خطبہ پڑھا تھا, میدان کارزار سے ابن سعد نے آواز دی تھی, اے امام حسین, اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو یزید کی بیعت کر لیجئے, آپ کی جان بچ جائے گی. میرے امام نے اس وقت میدان کارزار سے کہا تھا, امام حسین اپنے سر کو تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں قبول کر سکتا. میرے ملت کے لوگ اگر امام بیعت کر لیتے بڑی قدر کرتا, بڑی منزلت کرتا, لیکن اسلام کا سیرادہ بکھر جاتا. میرے امام نے اپنی شہادت دے کر اسلام کے سیرادے کو بچا لیا, اسلام کے سیرادے کو بکھرنے سے بچا لیا, نانا کے دین کے عظمت کو بچا لیا, نانا کے دین کے وقار کو بچا لیا. ایک بار درود شریف, تو برادران اسلام, آپ تمامی حضرات کو معلوم ہوگا دسویں محرم الحرام کو جب سورج طلوع ہوا صبح کا, سیدنا امام حسین میدان کارزار میں پہنچے, خطبہ دیا, اپنی بارے میں سب کچھ بتایا کہ میں علی کا لال ہوں, فاطمہ کا دل بند ہوں, میرے بارے میں سنو, میرے بارے میں آقا نے فرمایا ہے, حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, میں وہ حسین ہوں جن کے لیے آقا نے جنت سے کپڑے منگائے تھے, میرے لیے آقا نے جنت سے کپڑے منگائے تھے, اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا میرے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے, میرے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے, میرا حسین یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. میرے آقا کہا کرتے تھے کہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے, میں وہی حسین ہوں. اے یزیدیو, آج تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم میرا راستہ چھوڑ دو, میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا. لیکن ابن سعد بدبخت نے کہا تھا, اے امام, آپ کی جان اسی وقت بچ سکتی ہے جب آپ یزید کی بیعت کر لیں. میرے امام نے کہا تھا, سر تو کٹا سکتا ہوں لیکن کسی بدبخت, کسی فاسق و فاجر کی میں بیعت نہیں کر سکتا. اس وقت ابن سعد نے اپنے چلے پر تیر کو چڑھایا تھا, اور تیر چڑھانے کے بعد خیمہ حسینی کی طرف پھینکا تھا, اور پھینکنے کے بعد کہا تھا, اے یزید لوگوں گواہ ہو جانا, کل اگر دمشق کے اندر یزید پوچھے خیمہ حسین کے طرف پہلا تیر کس نے چلایا تھا, تو کہہ دینا خیمہ حسین کی طرف پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا تھا. اور جب تیر چل چکا, خیمہ حسین کی طرف یہ تیر پہنچ گیا, اور جس نے سات محرم الحرام کو امام حسین کے راستے کو روک رکھا, اور امام حسین کو جس نے مجبور کیا تھا کہ یہی پر آپ کو خیمہ گاڑنا ہوگا, وہ کانپنے لگا, اس کے جسم پر کپکپی تاری ہو گئی, اس کے جسم پر کپکپی تاری ہو گئی, وہ کانپنے لگا,
एक बहुत बड़ा बहादुर जो हुर बिन रियाही के करीब खड़ा था, उसने कहा, हुर तेरी हालत क्या है? अगर कोई मुझसे पूछता है कि इराक के अंदर सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मैं जवाब देता हूं, इराक के अंदर सबसे बड़ा बहादुर हुर बिन रियाही है। लेकिन आज तेरी हालत है कि तू मैदान के अंदर कांप रहा है, तेरी जिस पर कपकपाहट आई है। उस वक्त हजरत हुर बिन रियाही ने कहा था, ऐ इंसान सुन, ये एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है। अगर मेरे जिस्म को बोटी बोटी कर दिया जाए और कोई कहे कि जहन्नम के अंदर जाना गवारा कर ले, तो मैं जहन्नम के अंदर जाना गवारा नहीं करूंगा। और आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगाकर सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद कर अर्ज किया, अरे मेरे इमाम, मैं वही शख्स हूँ जिसने आपके रास्ते को रोका था, खेमा लगाने पर आपको मजबूर कर दिया था, आज मैं रब की बारगाह में ताइब हूँ, क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? मेरे आका इमाम ने कहा था, अरे हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है जिसके माने आजाद होते हैं, जादू दुनिया में भी आजाद है और जहन्नम के वादियों से भी आजाद है। हजरत हुर घोड़े पर सवार हुए थे और घोड़े पर सवार होने के बाद मैदाने कारसार में पहुंचे थे, और उन्होंने भी खुतबा दिया था। खुतबा में आपने भी कहा था, अए कर्बला के अंदर यजीदी फौज के लोगों, सुनो सुनो, तुम कहां किससे जंग कर रहे हो? अरे ये हुसैन हैं जिनके बारे में नबी ने कहा था कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये फातिमा के दिलबंद हैं, ये अली के लाडले हैं, तुम इनसे जंग करना चाहते हो? उस वक्त इब्ने साद ने कहा था, इस मैदान के अंदर हम ऐसी जंग करेंगे जिसमें तीर की बारिश होगी, और हजरत हुर पर तीरों की बारिश कर दी गई थी। हजरत हुर ने बड़ी जमा मर्दी से, बड़ी दिलेरी और शुजाअत के साथ मैदान कारदार के अंदर यजीदियों से मुकाबला किया था, लेकिन एक इंसान हजारों का मुकाबला कब तक कर सकता था? यजीदियों ने चारों तरफ से हजरत हुर को घेर लिया, नेजे से हमला किया गया, तीर से हमला किया गया, आपको चारों तरफ से जब घेरा गया, चारों तरफ से घेरने के बाद जब कई तरफ से तलवारों का वार हुआ, हजरत हुर घोड़े से नीचे आए, और नीचे आने के बाद आपकी रूह तब से उसकी से परवाह कर गई। हजरत हुर ने अपनी जान को आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे पर कुर्बान कर दिया था, और इस्लाम को जला दे दिया था, इस्लाम के शजर की आबियारी कर दी थी, अपने खून से इस्लाम के शजर को हरा भरा कर दिया था, इस्लाम के अज़मत और वकार को बचा लिया था, इस्लाम की अज़मत को बचाया था। और मेरे मिल्लत के लोगों, ये बात दीगरे बहुत तमाम सारे आते गए और मैदान कारदार में मुकाबला करते गए, मैदान कारदार में मुकाबला करते गए। उन्हीं में से एक हजरत सहील बिन कईन थे, जो मेरे आका इमाम आली मकाम के बहुत बड़े शहदाई थे। हालत यह है कि हजरत सहील बिन कईन मैदान कारदार में गए, बड़े बहादुरी से लड़े, शहादत का वक्त करीब आया, इमाम आली मकाम करीब पहुंचे, और हजरत सहील के सर को उठाकर अपनी गोद में रखा, इतने में इमाम हुसैन ने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने कमर में छोटी सी तलवार लटकाए हुए मैदान कारजार की तरफ बढ़ रहा है। इमाम आली मकाम ने वहीं से पुकारा था, ये किसका लाल है जो सच धज कर मैदान कारजार में जा रहा है? बचाओ इस्लाम के अंदर, बुलाओ इसे इस्लाम के अंदर, किसी बच्चे को लड़ाई के मैदान में जाने की इजाजत नहीं है। लोग गए थे और उस नन्हे से बच्चे को बुलाकर इमाम हुसैन के करीब लाए थे, खेमे हुसैन में लाया गया था। जब वो बच्चा पहुंचा था, इमाम आली मकाम ने उस बच्चे से कहा था, अरे बच्चा, तू कौन है और किसने
ने तुझे दूल्हा बनाया है, तू कहां जा रहा है? बच्चे ने जवाब दिया था, मेरी माँ ने मुझे दूल्हा बनाया है, मैं मैदान में तलवार चलाने जा रहा हूँ, मैं मैदान में लड़ाई लड़ने लग जा रहा हूँ। मेरे आका इमाम ने पूछा था, तू किसका बेटा है और क्यों जंग में जाना चाहता है? उस बेटे उस बच्चे ने कहा था, बता दूं मैं किसका बेटा हूं? क्या मैं बता दूं मैं किसका बेटा हूं? इमाम आली मकाम ने कहा था, हाँ बेटे बता दे तू किसका बच्चा है। तो उस बेटे ने कहा था, अरे मेरे इमाम आली मकाम, आप पूछ रहे हैं मैं किसका बच्चा हूं? ये ज़हीर बिन कईन जो आपके गोद में लेटे हुए हैं, जिनकी रूह कब से उसरी से परवान करने वाली है, इनकी रूह मुझे आवाज दे रही है कि बेटे जा और मैदाने कारजार में अपनी जान को इमाम आली मकाम पे कुर्बान कर दे। मैं यही ज़हीर बिन कईन जो आपकी गोद में लेटे हुए हैं, उन्हीं का बेटा हूं और इनकी रूह आवाज दे रही है मैदाने कारजार। मेरे मिल्लत के लोग, इस्लाम के अंदर मैदानी कारजार, पूरी दुनिया की तारीख आप पढ़ डाले, जितना जुल्म मैदान करबला में ढाया गया है उतना जुल्म कहीं और नहीं ढाया गया। ये भी बात दीगरे शहादत होती गई। अभी गालिबन आपने सुना सैयद इमाम अली अकबर जो शबीह रसूल, उनका कमर से लेकर ऊपर का जो हिस्सा था वो बिल्कुल मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरह था। शबीह रसूल हजरत अली अकबर को कहा जाता है। और जब तमाम लोग शहीद हो गए, हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहा, जान आप मुझे शहादत का मौका दे, मैं मैदान कारदार में जाऊंगा और अपनी जान जाने आखिरी के सिपुर्द करूँगा। इमाम अली मकाम ने मना किया, नहीं मेरे बेटे, ये लोग अगर सर चाहते हैं तो मेरा चाहते हैं, अगर ये किसी के कत्ल के दर पे है तो मेरे कत्ल के दर पे हैं, अगर इन्हें किसी का खून चाहिए तो मेरा खून चाहिए, तुम अंदर रहो खेमा के अंदर, मैं अपनी शहादत दूंगा। लेकिन हजरत अली अकबर बार बार असरार करते रहे। बाद में इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर को इजाज़त दे दी। और जब अली अकबर को इजाज़त मिली, किताबों के अंदर है, हजरत अली अकबर ने एक सफ़ेद जुब्बा पहना और पहनने के बाद मैदान कारदार में जब तलवार लेकर तशरीफ लाए तो यजीदियों ने अपने तलवार को नीचे कर लिया। इब्ने साद, शिमर वगैरह ने पूछा, यजीदियों तुमने अपनी तलवार नीचे क्यों कर ली? तो उन लोगों ने कहा, अए इब्ने साद, हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं लेकिन अपने नबी से लड़ाई नहीं कर सकते। इब्ने साद ने पूछा यहाँ पर मेरे आका मेरे नबी कहाँ हैं? तो यजीदियों ने कहा था, देखो ये सामने मेरे नबी खड़े हैं। तो इब्ने साद ने कहा, तुम्हें धोखा हो रहा है, ये मेरे नबी नहीं है बल्कि ये अली अकबर हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं। मेरे मिल्लत के लोग, इससे बताना मैं ये चाहता हूँ कि हजरत अली अकबर का जो चेहरा और मोहरा था वो बिल्कुल इमाम हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरह था। जब इब्ने साद ने यजीदियों को समझाया वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बार बार हजरत अली अकबर पुकार रहे थे, है कोई जो मुझसे आकर मुकाबला करे, है कोई जो आकर मुझसे मुकाबला करे, लेकिन कोई जब करीब ना आया, हजरत अली अकबर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद तलवार से हमला कर दिया। जिधर अली का ये शेर जाता था, फातिमा का ये दिल बंद जाता था, हुसैन का ये लाल जाता था, काइयों की तरह दुश्मनों को काटता नजर आता। कभी अगर कल्ब पर आपने हमला कर दिया तो कल्ब को पलट कर रख दिया, कभी मेमना पर हमला आवर हुए तो मेमना को पलट कर रख दिया, कभी मैसरा पर हमला आवर हुए तो मैसरा को पलट करके रख दिया। हजरत अली अकबर लड़ते जा रहे हैं और दुश्मनों को कत्ल करते जा रहे हैं, जहन्नम में पहुंचाते जा रहे हैं। जब कई सारे यजीदियों को आपने जहन्नम में पहुंचा दिया,
प्यास का गलबा था, आपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को मोड़ कर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। अर्ज किया, अल-अतश अल-अतश, अब्बा जान प्यास की शिद्दत है, अब्बा जान प्यास की शिद्दत है, अगर पानी के चंद घूंट मिल जाए तो खुदा की कसम मैं इन दरिंदों को जहन्नम के वादी में पहुंचा के रख दूं। मेरे इमाम ने उस वक्त अपने बेटे से कहा था, अरे मेरे बेटे, अब तेरी किस्मत में दुनिया का पानी नहीं है, हौसे कौसर पर आबे कौसर लेकर तेरे नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही तू आबे कौसर से सैराब हो जाएगा। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी थी और उतारने के बाद हजरत अली असगर हजरत अली अकबर के मुंह में रखा था और कहा था, बेटा इस अंगूठी को चूस लो, इससे तेरी प्यास बुझ जाएगी। अली अकबर ने अंगूठी को चूसा था, प्यास में थोड़ी सी तफीफ हुई थी। हजरत अली अकबर फिर मैदान कारदार में आए और फिर कहा, है कोई जो मुझसे मुकाबले के लिए आए, है कोई जो मुझसे मुकाबले के लिए आए। बार बार आप मुकाबले की दावत देते रहे लेकिन दिल की वजह से कोई करीब ना आया, क्योंकि ये अली का शेर था, इसके इनके जिस्म में अली का खून दौड़ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी। फातह खैबर के ये पोता थे, किसी की हिम्मत नहीं थी जो अकेले मुकाबले में आते, अकेले मुकाबला में आता। इब्ने साद ने अपने बहुत बड़े पहलवान से कहा, तारिक बिन सीस से मुकाबले में आने के लिए कहा, वो कहा, इसमें हमारी तौहीन है, मैं नहीं जाऊंगा मुकाबले में। उसने अपने बच्चे को भेजा, हजरत अली अकबर उसको फना फिन्नार किया। फिर उसका दूसरा बेटा आया, उसको भी फना फिन्नार किया। फिर वो खुद मैदान कारदार में आया, हजरत अली अकबर ने उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। तब इब्ने साद चिल्ला उठा, शिमर चीख पड़ा, यार ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये अली का बेटा है, इसके जिस्म में अली का खून दौड़ रहा है, घेर लो चारों तरफ से और इसके जिस पर इसके ऊपर हमला कर दो। हजरत अली अकबर को चारों तरफ से घेरा गया और चारों तरफ से घेरने के बाद आप पर तलवारों से हमला कर दिया गया, तीरों की बारिश कर दी गई। एक जालिम ने ऐसा नेजा मारा कि नेजा आपके सीने के अंदर चला गया और जो कलेजा था वो कलेजा जाके नेजे में फंस गया। हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे आए, जमीन के ऊपर गिरे और आवाज दी, या अबाहु अदरिकनी, या अबाहु अदरिकनी, ऐ अब्बू जान मेरी खबर लीजिए, ऐ अब्बू जान मेरी खबर लीजिए, ऐ मेरे मिल्लत के लोगों, आप भी बाप हैं, आप अल्लाह ने आपको भी औलाद जैसी नेमत दी है, आप जरा सोचो, 18 साल कंजर नौजवान मैदान करबला में पड़ा हुआ है, या अबाहु अदरिकनी की सदा बुलंद कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे, सीने पर हाथ रख के अली अकबर ने कहा, अब्बा बड़ी तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने जानू को अब इमाम हुसैन के सीने पर रखा और सीने पर रखने के बाद उस नेजे को खींचा तो रवायतों के अंदर आया है, इमाम हुसैन के खींचने के वक्त सिर्फ वो नेजा ही नहीं निकला बल्कि नेजे के साथ साथ उस नेजे की अनी में इमाम अकबर का जो कलेजा फंसा हुआ था वो कलेजा भी बाहर निकल आया। जैसे ही कलेजा बाहर निकला हजरत इमाम अली अकबर ने एक हल्की सी चीख मारी और आपकी रूह तब से उसी से परवाज कर गई। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर के लाश को अपने हाथों में उठाया और हाथ में उठाने के बाद लाकर उसे खेमे हुसैन में रखा। एक बार गुरु शरीफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे मिल्लत के लोग, बड़ी गमनाक शहादत है करबला की। हजरत अली अकबर की शहादत हुई, हजरत कासिम की शहादत हुई, सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए। और जब सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए तो मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, ये जो पश्चिम की लाली आप देखते हैं ये करबला की तारीख से पहले नहीं होता था आसमान में। जब इमाम हुसैन की जब शहादत हुई तो पूरा आसमान सुर्ख हो गया, एक हफ्ते तक पूरा आसमान सुर्ख रहा,
फिर आसमान की सुर्खी तो चली गई, लेकिन शफक की सुर्खी यानी मगरिब के वक्त जो पश्चिम के वक्त लाली दिखाई देती है, ये इमाम हुसैन की शहादत के वक्त से लेकर आज तक है और इमाम हुसैन की शहादत की खबर दे रही है। और जब इमाम हुसैन और उनके रुका की शहादत हो गई, एक रवायत में आया है शाम के वक्त कुछ लोगों ने हजरत ज़ैनब के पास खाने और पीने का सामान भेजा। हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की सगी बहन है, उनके पास खाने और पीने का सामान आया। जब हजरत ज़ैनब ने पीने के सामान को देखा, रोने लगी और कहा, लोगों ये सामान पहले क्यों नहीं पहुंचाया गया? इसी पानी की वजह से हमारे बहुत से घर के लोग शहीद हो गए, हमारे भांजे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, मेरा भाई शहीद हो गया, लेकिन आपने पानी को लिया। और लेने के बाद कहा, हमारे घर का, हमारे खानदान का ये उसूल है कि घर के अंदर अगर बहुत सारे लोग हो तो सबसे पहले खाने और पीने का सामान जो सबसे छोटा होता है उसे दिया जाता है। हजरत ज़ैनब ने खाने और पीने का सामान हजरत सकीना के हवाले किया। हजरत सकीना ने जैसे पानी पाया दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते मैदाने करबला मैदाने कारदार में पहुंची, उस जगह पहुंची जहां शहीदों के लाश रखे हुए थे। हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई आई और रोते हुए कहने लगी, अरे बच्ची तू क्या कर रही है? इन लाशों के बीच में क्या तलाश कर रही है? इन सरों के बीच में क्या तलाश कर रही है? हजरत सकीना ने उस वक्त कहा था, अरे भूखी जान, जब मैं मदीने से आई थी तो एक हीरा लेकर आई थी, इस मैदान के अंदर वो हीरा कहीं गुम हो गया है, वो हीरा कहीं गुम हो गया है, उसी हीरे को मैं तलाश कर रही हूँ। हजरत ज़ैनब ने अचानक देखा था, तलाश करते करते हजरत ज़ैनब ने एक छोटा सा सर उन शोहदा के लाशों के दरमियान से उठाया था, वो सर किसी और का नहीं हजरत अली असगर का सर था। और सर को उठाकर हजरत सकीना ने अपने जानों पर रखा था और प्यास और पानी का वो बर्तन जिसे हाथ में लिए हुए थी हजरत असगर के होंठ से लगाया था और कहा था, मेरे भाई दुनिया से प्यासा चला गया, जब जा रहा था मेरे पास पानी नहीं था, आज पानी आ गया है, अब इस पानी से तू अपनी प्यास बुझा ले। हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को पकड़ के खींचा था और कहा था, मेरी भतीजी ये दुनिया का उसूल है, जो दुनिया से चला जाता है वो कभी भी बोला नहीं करता, वो कभी भी पानी पिया नहीं करता। मेरे मिल्लत के लोग, मेरे बताने का मकसद यह है कि इमाम हुसैन ने इस्लाम की अस्मत, इस्लाम की शान, इस्लाम के वकार को बचाने के लिए मैदान कर्बला के अंदर इतने मुश्किलात को झेला है, इतना मुश्किलात झेल कर ये दीन हम लोगों के पास पहुंचा है। जरूरत है इस दीन पर हम अमल पैरा हो जाए। मुहर्रम आता है, थोड़ी देर के लिए गम बना लेते हैं, लेकिन फिर वही काम। नहीं मुसलमानों, इस्लाम की हिफाजत के लिए, सजदे की हिफाजत के लिए मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी दी थी। अगर सच्चे आप हुसैनी हैं, आप अपने मस्जिद के करीब हो जाएं, नमाज के पाबंद बन जाएं, कुरान की तिलावत करें और रातों वसाई करें। रब की बारगाह में अर्ज है, मौला अपने हबीब के सबके हम तमाम लोगों को नबी और आले नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।